बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें मेरा टॉपिक जो है आज का वो टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टॉपिक का नाम क्या है? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा और कीजिए। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा व्हाट आर वेक्टर्स, स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में आप लोग भी जानते हैं। स्केलर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन वेक्टर्स के अंदर आप लोगों को मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट्स और उसके साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होगी। अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स में हम सबसे पहले टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो उसमें देखिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, O से लेकर P, O से लेकर M, X एक्सिस और ये वाला Y एक्सिस। O से P तक और O से M तक दो एंगल्स बन रहे हैं, एक X के साथ बन रहा है, दूसरा भी X के साथ बन रहा है, तो X के साथ दो वेक्टर्स बन रहे हैं। एक को नाम दे रहा हूं मैं A वेक्टर और एक को नाम दे रहा हूं किसका? B वेक्टर का। टॉपिक हमारा क्या है, हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? जमा करना है। किसको जमा करना है? वेक्टर्स को। किस मेथड से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के मेथड से। मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा। रीड्रॉ कैसे करूंगा? पहले मैं ड्रॉ किया O से लेकर P तक वेक्टर A, मैंने यहां पर लिख दिया वेक्टर A। अब मैं O से लेकर M तक वेक्टर का नाम B, मैंने यहां पर लगा दिया वेक्टर B। मैंने परपेंडिकुलर में ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करता हूं, X A वेक्टर से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, फिर इसी तरह B वेक्टर से भी ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर। लेकिन A के जब ड्रॉ करूंगा तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट का नाम AXI, दूसरे कंपोनेंट का नाम AYJ। दोनों कंपोनेंट्स में एंगल कितना बन गया? 90। दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट, क्योंकि ये एक्सिस कौन सा हमारे पास? एक्स एक्सिस है। बी से फिर अगेन मैं ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर। जब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास यहां कंपोनेंट मैंने दो बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ताकि मेरे पास यहां कौन से कंपोनेंट बन जाए? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब यहां पर क्या बन गया? थीटा। इधर भी क्या बन गया? थीटा। थीटा के साथ क्या होता है? bx। थीटा के सामने क्या होगा? by। जैसे थीटा के साथ ax और थीटा के सामने ay। एंड पर मैं ड्रॉ करता हूं, नाम बताऊं इसका, नाम लिखो o का, q r s m कर दें इसको, या p कर दें, और यहां पर इस पॉइंट का नाम दे दें आप m का, और लास्ट में एक ड्रॉ कर रहे वेक्टर जिसका नाम है वेक्टर r। ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स के सम के बराबर, a वेक्टर प्लस B वेक्टर। इस एक्सिस के ऊपर सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। क्यों? ये x है, bx के सामने क्या आ जाएगा? bx, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा बन गया, एक स्क्वायर बॉक्स बन गया, और स्क्वायर की दोनों साइड अपोजिट साइड्स क्या होती है? बराबर। अगर मैं ये कहता हूं ये bx है, तो ये भी bx, इसको मैं ay कह रहा था, तो ये भी क्या हो जाएगा? ay। इधर हमारे पास bx bx ay ay, इस एक्सिस के ऊपर सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, मैंने यहां अलग से नाम दे दिया। इस एक्सिस के ऊपर सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो मैंने इन सबको क्या नाम दे दिया? ry का। मेरी डायग्राम का बोल हो गई। अब इस डायग्राम के लिहाज से मैं मैथ्स के लिहाज से कुछ पॉइंट्स की तरफ डिस्कस करूंगा जो बुक में लिखे हुए हैं। बुक में 5 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स। फाइंड x एंड y कंपोनेंट्स, हमने x और y कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। वो पहले x और y कंपोनेंट्स क्या मालूम किए? ax bx, ay by, rx ry। हमने x कंपोनेंट मालूम कर लिए, और y, किसके x और y कंपोनेंट? गिवन वेक्टर्स के। और गिवन वेक्टर्स कौन-कौन से हैं? एक वेक्टर का नाम a और एक वेक्टर का नाम क्या है? b। दो वेक्टर्स थे, दोनों मैंने नया वेक्टर बना दिए। इसी तरह मेरे पास दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट के अंदर x और y कंपोनेंट्स के बाद मैं ये कहता हूं क्या हमने मालूम करना है? फाइंड x कंपोनेंट। उस x कंपोनेंट का नाम क्या है? rx। और ये हासिल कैसे होता है rx? बाय एडिंग। ये हासिल कैसे होगा? बाय एडिंग ऑल दी x कंपोनेंट्स, ऑल दी x कंपोनेंट्स। अब ये x कंपोनेंट कैसे हासिल होंगे, जरा बोल कीजिएगा। o से लेकर r तक जाना है, o से लेकर r तक, o से q, q से r, ये पाथ ये बनेगा o से q, और दूसरा पाथ q से लेकर r तक। o से q का नाम लेंथ क्या है? axi। q से r का लेंथ क्या है? bxi। O से लेकर R का लेंथ क्या है? RX। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आया? AX plus BX into I, that is RX, equation number 1। सेम इसी तरह दूसरे पॉइंट की तरह एक पॉइंट नंबर 3 होगा। वो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा वो देखिएगा प्लीज। उसमें लिखा हुआ क्या? फाइंड
y components, उसका नाम क्या होगा? R y by adding all the y components. Equation क्या बनेगी? ये वाली. क्या नाम उसका? R से लेकर P तक किसके इक्वल होगा? आर एस प्लस एस टी. यू वेक्टर इस तरफ लगा दे जैसे ये वेक्टर लगाए, तो आर एस प्लस एस टी. आर एस की लेंथ कितनी है? ए वाई जे. एस टी की लेंथ कितनी है? बी वाई जे. अब इक्वल किसके है? आर वेक्टर के. कॉमन क्या आया? ए वाई प्लस बी वाई इनटू जे कैप, दैट इज इक्वल टू आर. अब हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा पॉस्टुलेट. अब मुझे बताएंगे हमने रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं. फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की डिटेल्स. ये फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर, तो ये आर एक्स हो गया और ये आर वाई. तो मैं क्या करूंगा? आर वेक्टर होगा आर एक्स प्लस आर वाई. आर एक्स पे क्या आ जाएगा? ए एक्स बी एक्स आई ए वाई बी वाई जे. मेरे पास ये क्या निकल आया? आर वेक्टर. पॉइंट नंबर फोर जो है उसमें लिखा, उसने फाइंड मैग्नीट्यूड. फाइंड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर. आर एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा? ए एक्स प्लस बी एक्स, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर. आर वाई क्या होगा? ए वाई प्लस बी वाई. इस पूरे का भी क्या होगा? स्क्वायर. और इसका क्या लेंगे हम? अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू आर नॉट. लास्ट पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट है व्हिच इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 5. फाइंड डायरेक्शन. फाइंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा हम मोस्टली यूज करते हैं एंगल कौन सा? टेन थीटा. किसके इक्वल होता है? आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स. यहां से थीटा क्या बनेगा? टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स. अब आर वाई किसके इक्वल है? आप सब जानते हैं आर वाई किसके इक्वल होगा? ए वाई प्लस बी वाई. ये हमारे पास बन गया ए वाई प्लस बी वाई, और डिवाइडेड बाय आर एक्स क्या होगा? ए एक्स प्लस बी एक्स. हमने क्या किया इस टॉपिक के अंदर? दो वेक्टर्स के हमने n कंपोनेंट्स, दो वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट्स डिवाइड करके ऐड किया. दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा. कोई मसला होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. काइंडली मेरे इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.